नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मनोज कुमार है। गौरव कंप्यूटर ज्ञान में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम लोग का चल रहा है वीडियो एडिटिंग, और वीडियो एडिटिंग का सॉफ्टवेयर चल रहा है दोस्तों एडोब प्रीमियम प्रो सीसी। तो आज हम लोग कुछ टूल्स के बारे में बात करें। मेरा टूल्स ही चल रहा है दोस्तों, तो मैं एक वीडियो में सारे टूल्स को मैं कवर कर रहा हूँ। कौन कौन सा टूल्स का मैं कवर कर रहा हूँ दोस्तों, सिलेक्शन टूल्स का जिसका शॉर्टकट की भी है, ट्रैक सेलेक्ट फॉरवर्ड का जिसका टूल्स का जिसका सिलेक्शन जिसका शॉर्टकट की ए है। तो सिलेक्शन टूल से क्या होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी फोटेज को, कोई वीडियो को सिलेक्ट करके यहाँ से इधर आप रख सकते हैं दोस्तों। और ट्रैक सेलेक्ट फॉरवर्ड का काम होता है, जितने भी ट्रैक पर कोई आपको डाटा या वीडियो रखा हो, वो एक बार में उसको इस तरह से फॉरवर्ड कर सकता है। और उसके नीचे है ट्रैक सेलेक्ट बैक फॉरवर्ड, उसका काम क्या है, उसका शॉर्टकट क्या है दोस्तों, शिफ्ट ए। उसका करते पीछे में जितना भी ट्रैक है वो पीछे में आपको करने का काम करेगा दोस्तों। उसके बाद रिपील एडिट टूल्स, उसका शॉर्टकट की है बी। ये क्या करेगा दोस्तों, आप चाहते हैं दो गो फोटेज है, इस फोटेज का साइज कम कर दीजिए और फिर इसको आपको लाके यहाँ पर जोड़ देने का काम करता है दोस्तों। उसी के पास क्या है, रोलिंग एडिट टूल्स, उसका शॉर्टकट की एन है। वो क्या करता है कि दोनों में से वीडियो को थोड़ा कम करता है उसका ड्यूरेशन। उसके बाद रेट स्टेज टूल क्या करता है, वीडियो को फास्ट और स्लो करता है। आप माने कि आप सीढ़ी पर चढ़ रहे हैं, वो आप दिखाना चाहते हैं कि स्लो चढ़ना चाहते हैं या फिर फास्ट जल्दी चढ़ना चाहते हैं, तो ये आपको करेगा। उसके बाद इरेजर टूल, किसी को काटने के लिए उसका शॉर्टकट की सी है। उसके बाद स्लिप टूल्स है, उसके बाद स्लाइड टूल्स है। इस सारे टूल्स को मैं आपको बताऊंगा, तो चलिए अपने कंप्यूटर पर देखते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर देखिए एडोब प्रीमियर प्रो का आइकन है डेस्कटॉप पर, मैं इस पर डबल क्लिक किया। ओपन हो रहा है, और मैं यहां पर न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक किया और यहां पर ओके पर क्लिक किया, यस किए, और इस तरह से इंटरफेस आ गया। हम इसमें कुछ वीडियो का इंपोर्ट करेंगे। इंपोर्ट फोल्डर अब इंपोर्ट कर लेते हैं। हमने डायरेक्ट यहां पर फोटोज को लाया और यहां पर इस तरह से इतना मार्क किए और इतना मार्क आउट किए और यहां से पकड़कर इस पर लाके मैं छोड़ दिया। दूसरा फोटेज को मैं दूसरा फोटेज के यहां से इतना मार्क किया और इतना मार्क आउट किया। यहां से मैं सोर्स विंडो से ला रहा हूं ये कुछ समझाने के लिए। एक और फोटेज को मैंने यहां से मार्क किया और यहां से मार्क आउट किया। अब यहां से पकड़ के मैं यहां पर रखा, यहां से इतना इसको मार्क इन किया, मार्क किया, मार्क यहां से आउट किया, यहां से उठा के। चलिए, इतना सारे फोटोज के लाऊं। सबसे पहला ऑप्शन क्या है, सिलेक्शन, इसका शॉर्टकट की भी है। हम इस पर क्लिक किए, हम इतना फोटेज को यहां पर इधर रखना चाहते हैं। उसके बाद हमको नहीं, बहुत ज्यादा हो गया, तो इस पर सिलेक्ट करेंगे और जहां पर रखना चाहते हैं इसको यहां पर रख सकते हैं, यहां से इसे रख सकते हैं। कुछ और मैं लेयर को ले लेता हूं, यहां से इतना, इसको मैं ऊपर रखता।
अब हम चाहते हैं फिर सिलेक्शन टूल्स को लिए, अब इसको यहाँ पर इतने सिलेक्शन किए और फिर यहाँ से इसी करके काम किए। अब देखिए आप सिलेक्शन टूल्स तो समझ गए होंगे, कोई ज्यादा इसकी दिक्कत नहीं। अब देखिएगा यहाँ पर ट्रैक सिलेक्ट फॉरवर्ड, हम इस पर क्लिक किए, अब देखिएगा यहाँ पर दो गो एरो बन गया है। अब दो गो एरो बन गया, अब यहाँ पर मैं इसे माउस को लेफ्ट बटन को प्रेस किया, छोड़ नहीं रहा, और इस तरह से इधर में लेके गया, तो पूरा वहाँ टूल्स इधर से लेके आपको लेके मैं चला आया। वापस में यहाँ पर इस तरह से लेके किए और फिर वापस इधर लेकर हमको पूरा जितना आप इधर सेलेक्ट किए पूरा ये यहाँ पर से जाएगा। आपको क्या करना है, इससे सिलेक्शन कर लेना है, और सिलेक्शन करने के बाद इस तरह से पूरा सिलेक्शन कर लीजिए, और सिलेक्शन के बाद ये टूल को पकड़िए और पूरा इधर से इसे कीजिए। अब हम शिफ्ट ए प्रेस कर रहे हैं, अब देखिएगा मेरे पास क्या हुआ, इस तरह से दो गो आइकन बन गया। अब इधर से लेकर आपको जाएगा, हम चाहते हैं कोई एक ट्रैक को ही लेकर जाए, जैसे मैं ए प्रेस किया है तो देखिए यहाँ पे दो गो डबल एरो, जैसे मैं शिफ्ट प्रेस कर दूंगा तो एक एरो बन गया, तो एक ट्रैक को आप उधर में लेके आप दोस्तों जा सकते हैं। अब हम ये फोटोज को मैं क्या करता हूँ, ये फोटोज को मैं डिलीट कर देता हूँ, ठीक ना, कुछ और फोटोज को मैं ला रहा हूँ, फिर से मैं यहाँ पर लाया और फोटोज को, उसके बाद नीचे जो क्या है रिपिल एडिट टूल्स है, अब मैं इसको थोड़ा सा इसको मैं बड़ा करूँगा तो अच्छे से समझ में आएगा। अब देखिएगा ये क्या करता है, हमको हमको यहाँ पर ये थोड़ा सा इसे काट दिया, और जब हम काट देंगे इस वीडियो को छोटा में कर देंगे तो फिर क्या करना है, इस सिलेक्शन करके आपको यहाँ पर ला के इसको जोड़ना पड़ता है दोस्तों। ये क्या था, दो स्टेप में काम हो रही है, ठीक ना, तो हम चाहते हैं कि एक ही स्टेप में काम हो जाए, तो इसको हमने लेंगे रिपिल एडिट टूल्स को लेंगे जिसका शॉर्टकट की बी है, और जैसे मैं यहाँ पर से ऐसे करूँगा तो देखिएगा वापस वीडियो को ला के जोड़ दिया, और उसी का नीचे एन को प्रेस कर दूंगा तो ये क्या करता है, ये देखिए दोनों तरफ का घटाएगा बढ़ाएगा, वो एक तरफ का मतलब काम कर रहा था और दोनों तरफ, जैसे कि मैं एग्जांपल में ले रहा हूँ, फिर से हमको इधर का इतना छोटा चाहिए तो इतना छोटा मैं कर दिया इस वीडियो को, तो फिर लाके इसको हमको जोड़ना होगा, जैसे उठा कर ऐसे करके आप जोड़ेंगे जोड़िएगा तो उससे क्या है कि डायरेक्ट आप रोलिंग एडिट टूल से आप दोनों का आप मेंटेन कर सकते हैं। वहां पर आप थंबनेल्स में देखिएगा, वहां पर आप देखिएगा तो दोनों का आपको इसमें प्रीव्यू दिखा रहा है, दोनों का जिसको छोटा बड़ा करना चाहते हैं दोनों का आप घटा बढ़ा सकते हैं, एक ही काम में ये हो जाएगा। उसके बाद जैसे बी प्रेस कर रहे थे यानी कि रिपिल एडिट टूल्स कर रहे थे, ये सिर्फ इधर का ही काम कर रहा था और उधर का नहीं कर रहा था, तो उधर के लिए मतलब इस तरफ से कहीं वीडियो का काम कर रहा था, और जब हम रोलिंग एडिट टूल्स को लेंगे तो दोनों तरफ का वीडियो का मेंटेन करेंगे, एक तरफ का ही नहीं दोस्तों, तो आप समझ गए होंगे। उसी का नीचे एक और है रेट स्ट्रेस टूल, ये क्या करता है, हम एक ऐसा वीडियो लेंगे जिसमें छोड़े इस वीडियो में कुछ तितली उड़ रही है,
हमको इसको फास्ट दिखाना चाहते हैं कि स्लो दिखाना चाहते हैं, तो उसके लिए शॉर्टकट की क्या है आर। जैसे मैं आर प्रेस करूंगा तो रेट स्ट्रेस टूल आ जाएगा। तो देखिएगा मैं इसको खींच कर इतना बड़ा, अब मैं प्ले करूंगा तो देखिएगा ये सब वो तितली बहुत धीरे धीरे उड़ रहा है धीरे धीरे। अगर हमें इसको फास्ट करना होगा तो ये रेट स्ट्रेस टूल से इसको छोटा मैंने कर दिया और छोटा मैं कर दे रहा हूँ, तो देखिएगा बहुत फास्ट फास्ट उड़ेगा। देखिएगा ये बहुत फास्ट फास्ट उड़ रहा है। उसी पर राइट क्लिक करेंगे और स्पीड ड्यूरेशन यहाँ से भी आपको लिख कर फास्ट स्लो मैंने कि हम इसको 10 कर दे रहा हूँ और मैं ओके किया, तो देखिएगा बहुत धीरे धीरे काम करने लगा। और इसी पर राइट क्लिक करके फिर इसको 10 है इसको मैं 100 कर दे रहा हूँ, तो फिर ये अपने आप रूप में आ जाएगा। इसी पर राइट क्लिक करके इसका रिवर्स तो सीधे उल्टा करेगा। माने कि कुछ सीढ़ी पर से आप चढ़ रहे हैं तो जब रिवर्स पर क्लिक करके जितना भी स्पीड का ड्यूरेशन दीजिएगा उतना नीचे में उतरना चालू करेगा, उल्टा रिवर्स कर देगा। ओके करेंगे, देखिएगा रिवर्स का ही दिखा रहा। उसी का नीचे इरेजर टूल्स, इसको क्या इसको भी देख लेते हैं आज। इसका भी शॉर्टकट की क्या है सी। अब देखिएगा हमको सिर्फ ऊपर वाला यहाँ पर इसको काटना है, तो क्या किया कंट्रोल रेखा से प्रेस किया पर क्लिक किया तो देखिएगा सिर्फ ऊपर वाला ही कटा, नीचे वाला नहीं कटा दोस्तों। और हम फिर यहाँ पर ले गए और फिर केवल क्लिक कर रहे हैं, जब क्लिक कर रहे हैं तो ऊपर वाला ही कट रहा है, ठीक है ना। हम चाहते क्या है, अब हम चाहते क्या है, हम यहाँ पर एक और लेयर ऊपर रख देते हैं और नीचे भी है ही है। हम चाहते हैं क्या कि पूरा यहाँ यहाँ कट जाए, यानी कि मल्टीपल लेयर पूरा कट जाए, तो उसके लिए हमारे पास शिफ्ट प्रेस करेंगे और इरेजर को लेंगे और जब हम क्लिक करेंगे तो देखिएगा पूरा यहाँ से वहाँ तक कट गया, यानी कि मल्टीपल को कट करना होगा तो शिफ्ट प्रेस करके आप कर सकते हैं। और इसमें और चीज आपको है, फिर से मैं लेयर लिया, और अब दोस्तों हम यहां से यहां तक इस तरह से मैंने क्या किया कट कर दिया, और मैं चाहता हूं कि इतना को डिलीट कर दो, तो देखिएगा इतना को मैं कर दिया डिलीट, तो इतना ब्लैंक रह गया। हम चाहते हैं कि ये जो डिलीट हुआ वापस यहाँ पर आ जाए, तो हम क्या करेंगे सेलेक्ट करके शिफ्ट के साथ करेंगे डिलीट, तो ये वापस वहाँ पर आपको आपको जुड़ जाएगा। तो ये इसका बहुत ही अच्छा बेनिफिट है दोस्तों। अब हमारे पास इस स्लाइड टूल, ये क्या करता है दोस्तों, इसमें हमको चार तरह का फोटेज लाना होगा तो आपको समझ में आएगा। हमने क्या किया, हम चार तरह से कोई फोटेज चार गो फोटेज लाएंगे। एक मैं यहां पर रख दिया, दूसरा मैं फिर रख दिया, तीसरा फिर रख दिया, ये सबको मैं छोटा कर ले रहा हूँ और चौथा भी। मेरे पास चार फोटेज है, ये फोटेज एक ही हो गया, इसको मैं डिलीट कर चुका हूँ। ये चार तरह का फोटेज मेरे पास है, हर तरह का क्लिप का दोस्तों। अब मैं स्लिप टूल्स को लूंगा और यहाँ पर अब देखिए यहाँ पर आपको देखना है, जैसे क्लिक करके प्रेस करूंगा वहां पर देखिएगा चार विंडो आपको दिखाई दिया। तो ये करते क्या है, किसमें से आपको कम बेसी करना है तो आप देखिएगा
जिसमें से कम बेसिक करना है। तो यहाँ पर आपको इसके लिए हमको करना क्या है होगा दोस्तों, इसके लिए हमको सोर्स विंडो से हमको क्लिप लाना होगा। हमको यहाँ से अपना मार्किंग करना है, यहाँ से मार्क आउट करना है और यहाँ पर लाके इसको मैं छोड़ दिया। दूसरा फुटेज यहाँ से भी मैं मार्क इन किया, यहाँ से मार्क इन किया, यहाँ से मार्क आउट किया, यहाँ से भी लाके यहाँ से मार्क इन किया और यहाँ से मार्क आउट किया। इसका हम सोर्स विंडो से लाएंगे दोस्तों। अब यहाँ पर स्लिप टूल्स को लेंगे, अब बीच में यहाँ पर हेड प्ले हेड को रखें। अब देखिएगा वहाँ पर देखिएगा सोर्स विंडो में चार विंडो आपको दिखाई दे रहा है। तो ये आप देखिए कौन कौन सा, ये मेरा पहला है, ये बीच का है, ये लास्ट का है, ये भी लास्ट का है। अब हमको ये देखिए हम जिस पर रख रहे हैं तो कौन सा पर, कौन सा वीडियो पर ज़्यादा इफेक्ट पड़ रहा है, कम बेसी हो रहा है उसका उसका ड्यूरेशन, पहला पर कि लास्ट में कि बीच में। चार फुटेज है तो आपको देखना है, ये वीडियो फर्स्ट है, ये वीडियो सेकंड है, ये वीडियो थर्ड है, ये वीडियो लास्ट है। यानी कि आप देखिएगा अब देखिए जिस वीडियो पर आप ड्यूरेशन कम बेसी करना चाहते हैं तो आप जितना कम करना चाहते छोड़ दीजिएगा तो उतना आपको कम बेसी हो जाएगा दोस्तों। इसका वाई है, सॉरी इसका वाई था शॉर्टकट की। अब हम डायरेक्ट हम भी वी प्रेस करेंगे तो अब देखिएगा फिर इसको क्लिक किए, अब हम हमारे पास जस्ट उल्टा हो गया ये। अब उसका ये दोनों वीडियो का मतलब ड्यूरेशन कम बेसी कर रहा है दोस्तों। तो इस तरह से आप वीडियो को मैनेज कर सकते हैं और आप उपयोग कर सकते हैं। तो ये वीडियो आपको अच्छा लगा तब इसको लाइक कर दीजिए और फ्रेंड के साथ शेयर करना नहीं भूले दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।